अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुआशरे की खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। नाज़रीन, उस्मानिया हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस होती है और उसका एक प्राइवेट ड्राइवर जिसका नाम मोहम्मद आरिफ है, उसका जुल्म बहुत बढ़ रहा था। और कोई भी पेशेंट से या कोई मरीज से या उनके रिश्तेदारों से जो भी वहाँ पर परेशान हाल आता है उसके साथ बदसलूकी करता था। और यही वजह है कि यहाँ पर कल एक परवीन बेगम नामी एक खातून के साथ बदसलूकी किया, जबकि उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था और उसके साथ मारपीट तक की। और ये सारी इसकी हरकतें एक कैमरे में कैद हुई, इसके बाद ये वायरल हुई। फौरन अफजलगंज पुलिस ने इसको अरेस्ट करके अदालती तहवील में दे दिया, इसके ऊपर केस दर्ज किया गया। ऐसे लोगों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको कोई हक नहीं है। और जिस तरह से उस्मानिया हॉस्पिटल में एक माफिया चल रहा है और जिस तरह से जो लोग परेशान आते हैं इलाज कराने के लिए उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पुलिस ने इस पर कार्रवाई की, ऐसे ही जो लोग बुराई करते हैं और इस तरह से परेशान करते हैं लोगों को, ऐसे ही कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तकीर रहमान की ये रिपोर्ट। निकाल रहे हैं, ये मुसीबत है। अपन किसी को अपना अपन मुसीबत में है भैया। सवालों भाई नहीं करना भैया, अन्ना भैया, अन्ना भैया, अन्ना बोलना, अपना अपना वक्त निकाल लेना जी। हर किसी को अपन जो है ना तनाबाजी बात करे तो तुम्हारे घर में सुनते, तुम्हारे गुस्सा बाहर कौन रोड पे सुनता, घर वाले नहीं सुन रहे। चलो जी अम्मा, चल जाओ, बड़े भाई छोटे बच्चे जान दो, जान दो। बात वैसा नहीं है, बच्चे भी नहीं सुन रहे आजकल तो करके। ओ, ड्यूटी पे है, बात डिस्कशन अलग चल रहा हमारा उसका, हम लोग बात कर ले रहे। आप आइडेंटिफिकेशन करके आप गाली दे के आपको नाम लेके गाली दिया तो आप पलटा दो, रिप्ले आंसर दो क्या भैया। जब भी आप आपको गाली भी दे रहा होने तो क्या भैया, मेरे को ऐसा देखो बोल रहे हैं मेरे गंदी औरत का नाम लेके दे रहे भैया, बोलते कि उसका दिल वहीं पिघल जाता। अरे भाई मेरे को बहुत ही अच्छी बात कर रहे ना कहीं को, आपको कहीं को ऐसा बोलते हैं करना नहीं। अपना वक्त क्या है, निकल रहा अपना वक्त क्या है वो कर रहे हो, अपना काम कर लेके चले गया तो सुबह में एक छिनाल मारी, वो वाइटनर छिनाल दी तुम्हारी गांड में, दम था तो लड़ना था उससे, फिर कहीं को भागे अंदर, आप भागे कहीं को, मैं बुलाता हूँ अभी उसको लड़ो उससे। आपको क्या जरूरत थी फिर आप बोलने की ये बात सुना रहे हैं? बहना वहना बोली ना, बहन के लौड़ी चप्पल लगे मारता हूँ छिनाल तेरी अम्मा को, चोदू तेरी बहना वहना बोली छिनाल, फिर चल बहन कड़ी छिनाल तेरी अम्मा को चोदू छिनाल, तू बहन कड़ी छिनाल है तेरी अम्मा को चोदू, बहना वहना बोली माँ को चोदता तो बोली तो चल जा बाहर बाहर जा, माँ को चुदा छिनाल, नाटक कर रही इज्जत दे रहे हैं तेरे को, जानते जानते बोल के बोल रहे हैं तो समझा रहे हैं अभी बहन के लोड़ी अम्मा को बहना वहना बोल रही, अभी तो माँ को चुदाओ, हमार को कहीं को बोल रहे हैं बहना वहना, हमार का नाती माँ को चुदाओ तो मार के उल्ला जाती, केस हो कुछ भी होगा, बहन के लोड़ी भोसड़ी अभी पुकार रही, अभी अभी समझा रहे, इतना समझा रहे ना, ये तुम भी नहीं सुन रहे, अपने कुछ बहना वहना बोल रही छिनाल। हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर वन क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट, हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस, बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर वन है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता, सारे शहर की पसंद आपके खुशियों का साथी, बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी एक्स रोड, हैदराबाद।